गाइस, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन देखो, फिर इस वीडियो में आओ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे कैसे आए। नाम कहाँ है बंदा? फाइनली वी गॉट ए गुड रोड। हालांकि नक्सलाइट एरिया ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो ख़राब रोड था, एटलीस्ट वी क्रॉस दैट। टाइम इज़ अराउंड 11 PM और अभी हम लोग रुके हैं बीजापुर में। सो अभी तक हम लोगों ने 900 किलोमीटर कवर करा हुआ है एंड अभी यहाँ पे खाने का कुछ ऑप्शन था नहीं, तो यहाँ पे खाने का कुछ ऑप्शन था नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे खाना बनाएंगे। मेरे पास एक पोर्टेबल स्टोव है जिसमें हम खाना बनाएंगे। फिर इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से जगदलपुर 140 किलोमीटर होगा, लगभग 140 किलोमीटर है। वहाँ से उड़ीसा अगेन 600 या 500 होगा, 500 to 600 इन बिटवीन दैट। तो कल शाम तक शायद पहुँच जाएंगे हम। आप लोग अभी यहीं सो जाएंगे? हाँ। खाना वाना हो गया? हाँ खाना हो। कहाँ से आ रहे हो? ये आ रहे हैं हम लोग विजयवाड़ा से। सो इस रूट में आपको खाने के लिए बहुत कम ऑप्शन मिलेगा, ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, ना कोई रहने के लिए अच्छा होटल है। लकीली हम लोगों ने पोर्टेबल गैस और कुछ नूडल्स ले लिया था, जो कि अभी बनाएंगे, डिनर करेंगे, फिर निकलेंगे जगदलपुर के लिए। यहाँ से जगदलपुर शायद 140 या 150 किलोमीटर्स होगा। कुछ ट्रक वालों ने हमें मना किया इस रूट में रात को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि इस रूट में सबसे ज़्यादा नक्सल मूवमेंट होता है और आगे डेंस फॉरेस्ट भी है। वैसे हमें नींद भी नहीं आ रही थी और हमें एडवेंचर भी करना था, तो हमने सोचा कि रात को ड्राइव करा जाए। हाँ भाई, सिर्फ 2 मिनट में ही, 1 घंटा लगता है। हाँ पिकनिक है पूरा ना। छत्तीसगढ़ बिहार बॉर्डर के आसपास जा रहे हैं, इधर भुवनेश्वर जाते तो इधर जाना पड़ता है। नहीं, we have done almost 1300 किलोमीटर, almost 13 बज रही ना, and we are here at जगदलपुर। टाइम इज 6:07, नहीं टाइम इज 6 AM इन द मॉर्निंग। सो बीजापुर से जगदलपुर आते वक्त रास्ते में हम लोग सो गए थे, बिकॉज इट वॉज डेंस फॉरेस्ट और इतना नींद आ रहा था कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो 1 या 2 घंटे हम लोग बीच में सो गए थे। Take the next left onto National Highway 30. मेरे मन को किया तूने। Continue on National Highway 30 for 4 kilometers. हाँ, रही ना, अटको सही जगह।
तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे उड़ीसा के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी हम कुछ देर में उड़ीसा बॉर्डर एंटर करने वाले हैं। डन ऑलमोस्ट 1300 और 400 किलोमीटर और अभी बलांगीर पहुंचने वाले हैं। सो बलांगीर यहां से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है एंड इट्स गोना टेक अस ऑलमोस्ट 6 आवर्स। सी द सनराइज, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहां से, चेक इट आउट। तो यहाँ पे बन रहा है कॉफी, और वहां पे हो रहा है सनराइज। चलो अलग लेवल की वीडियो आते हैं। क्या नोट दिए? क्या नोट दिए इटा? क्या नोट दिए? नहीं सजन में मैंना। हाँ? जान नहीं। जान नहीं? नोट दिलो ना जान नो। लुआ रास्ते में इटा। Almost 100 kilometers to reach Balangir. Barache? Chana? लोग यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, समवेयर बिफोर बलांगीर, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पहले।
ये होता है, सही है भाई, ये सही है। इसको ऐसे खाते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कुछ बीन्स टाइप का है ये, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। इसको खाया जाता है ऐसे निकाल के। हाँ हे गाइस, टाइम इज ऑलमोस्ट 4:30 PM और अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से घर 200 किलोमीटर कुछ होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। भाई लोग, हम पहुंच गए हैं संबलपुर। जो दूर पहाड़ देख रहे हो, उधर ज्योति सर रहते थे। ये जो आप बड़ा सा फ्लाईओवर देख रहे हो, इसको बोलते हैं, सॉरी बड़ा सा ब्रिज देख रहे हो, रिवर ये है, महानदी रिवर। एनटीपीसी हॉस्पिटल ना, अभी ये कोविड हॉस्पिटल है। नमस्ते सर।